यूपी में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में मथुरा में पुलिस की 20,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक सिपाही और इनामी बदमाश घायल हुआ है। पकड़ा गया बदमाश 1.5 साल से डकैती की वारदातों को अंजाम देने के बाद से अपने भाई और साथियों के साथ फरार चल रहा था। एक वांछित अभियुक्त है जो कि नामिया भी है, ये सूचना में मुखबिर के माध्यम से आई। उसका मूवमेंट है और वो राया से बलदेव की तरफ जा रहा है अकेला। उसी क्रम में हमने बलदेव थाना और स्वाट टीम CO महावन के निर्देशन में वहाँ पर एम्बुश लगाया गया, घात लगा के घेरा गया। जब इसको घात लगा के घेरा गया तो इसने पुलिस टीम पर फायर किया और बचने का प्रयास किया, खेतों में भागने का प्रयास किया। उसी क्रम में हमारे एक आरक्षी राकेश को भी रिपोर्ट आई है जो बलदेव में एडमिट हैं। जब पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में फायर की, जवाबी फायर की, तो इसके पैर में गोली लगी है और अभी ये जिला अस्पताल में एडमिट है।